good morning everyone hi my name is jashree and we are going to discuss about pgdt diploma postgraduate diploma in translation book 1 chapter 1 and i'm so much happy after watching your responses and i'm able to make another video on your demands so Let's get स्टार्टेड सो so today's थॉट समय ही जीवन समय ही जीवन है समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है ब्रह्म कुमारीज एक्चुअली आई एम अग फैन ऑफ़ ब्रह्म कुमारी दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे ये एक थाट जो है ब्रह्म कुमारीज़ का बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डालना चाहिए आप बताइएगा आपको ब्रह्म uh, कुमारीज़ के थॉट्स कैसे लगते हैं इन दमो कमेंट सेक्शन सो अभी तक हमने आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा उनके अंदर पी जी जी पी जीरो जी 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 वन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन बुक वन के अंदर अनुवाद किसे कहते हैं अनुवाद के बारे में पानीनी ने क्या कहा है भ्रतहरी ने क्या कहा है और जो एक मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अनुवाद को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन कहते हैं और ये जो ट्रांसलेशन है ये कौन सी भाषा का शब्द है अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं चलिए मैं बता देती हूँ ये एक लैटिन भाषा का शब्द है उसके बाद हमने पढ़ा कि अनुवाद जो है ट्रांसलेशन वो बेसिकली करता क्या है वो पार ले जाने का काम करता है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाता है और हमने अनुवाद का अर्थ समझा था अनुवाद के अर्थ के अंदर भाषा के दो प्रकार पढ़े थे हमने एक तो स्त्रोत भाषा पढ़ा था दूसरा लक्ष्य भाषा पढ़ा था उसके बाद हमने कुछ विचारक थे उनके विचार पढ़े जैसे नायडा कैटफोर्ड न्यूमार्क, हेलीडे अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है अनुवाद का विस्तार से अनुवाद का विस्तार से हमें स्टार्ट करना है आज सारे विश्व में अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है भाषा संचार का माध्यम है। दो भाषाओं के साथ साथ दो तो संस्कृतियों को भी निकट ले आने का कार्य करता है विश्व साहित्य का परिचय भी इसे प्राप्त है उदाहरण के तौर पे पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं उनका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है पंचतंत्र जो है उसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है पंचतंत्र जो है उसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम जो ना, नाटक है उसका अनुवाद भी विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हिंदी के एक प्रसिद्ध रूसी विद्वान वाराणी कवि ने रामचरित्रमानस का अनुवाद रूसी भाषा में करके एक अद्भुत कार्य किया है विभिन्न राष्ट्रों के बीच नित्य नए नए तरह के राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं नित्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संबंध पत्र दोनों देशों की भाषाओं में तैयार किए जाते रहे हैं सभी कार्य अनुवाद के ही माध्यम से संभव हो पाए हैं यूएनओ वक्तव्य लेख तुरंत अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराया जाता है आज हम सभी जानते हैं कि अनुवाद का हमारे दैनिक जीवन में भी कितना महत्व है भारत तो बहुभाषी देश है यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है इन विभिन्न भाषा भाषी भारतीयों के बीच भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए तो अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन है और अनुवाद की भूमिका ही है अनुवाद की भूमिका है ही साथ ही शिक्षा कानून प्रशासन चिकित्सा वाणिज्य एवं व्यवसाय कृषि पर्यटन दूर संचार आदि में भी सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखने के कार्य में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका रही है गोपीनाथ जी के द्वारा इन्होंने एक डेफिनेशन दी है अनुवाद की अनुवाद एक ऐसा सेतु बंधन का कार्य है जिसके बिना विश्व संस्कृति का विकास संभव नहीं है अनुवाद के द्वारा हम मानव के इस विश्व कुटुंब में संपूर्ण एकता एवं समझदारी की भावना विकसित कर सकते हैं मैत्री एवं भाईचारे को विकसित कर सकते हैं गुटबंदी संकुचित प्रांतीयवाद आदि से मुक्त होकर मानवीय एकता के मूल बिंदु तक पहुंच सकते हैं संसार का हर छोटा बड़ा देश दूसरे देश से जुड़ना चाहता है और इस जुड़ाव में अनुवाद की विशिष्ट भूमिका दिखाई देती है अनुवाद अपने प्रयोजन में बहुमुखी बहुआयामी बन चुका है अनुवाद व्यावसायिक सामाजिक रचना बन गया है पहले अनुवाद व्यक्तिक रुचि पर आधारित था परंतु अनुवाद युग में परंतु आधुनिक युग में तो अनुवाद की आवश्यकता एक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक आवश्यकता के रूप में उभरी है अब जैसे ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब इन क्वेश्चंस के हमें कैसे आंसर करने हैं वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ और मैं इस वीडियो में आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे आ, कुछ आ, आप लोगों के ही रिस्पॉन्स में ये मिला कि आप कुछ आ, वाइट पेपर में चाहिए और मतलब पावर पॉइंट प्रजेंटेशन आप लोग चाह रहे हैं तो देखिए ये जो आप जो पेपर जो जिस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं ना जो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन तो इसके जो क्वेश्चंस आप अटैम्प करोगे जब इग्नू के एग्ज़ाम में तो आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं प्लस आपके लाइंस में किस तरह से आपको लिखना है ये सब जो है मायने रखता है इसलिए हम इस टॉपिक में तो प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए अगर हम कुछ वीडियोज़ के अंदर ये सीख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या कैसे आंसर्स लिखने हैं किस तरीके से लिखने हैं वे ऑफ राइटिंग कैसा होना चाहिए जब हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मे बी हम डायरेक्ट बुक्स से पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अनुवाद शब्द से आप क्या समझते हैं अनुवाद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है पहले अनुवाद शब्द का अर्थ जानना जरूरी है वाद उपसर्ग का अर्थ है पीछे या अनुगमन करना तथा वाद शब्द का अर्थ है वद धातु से जिसका अर्थ कहना होता है इस प्रकार अनुवाद शब्द का अर्थ कहना या बोलना या स्पष्टीकरण करना कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है क्वेश्चन सेकंड अनुवाद की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अनुवाद की किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो हमने डेफिनेशन सभी पढ़ी हैं उनके अनुसार हमें तीन विशेषताएं बतानी है अनुवाद की फर्स्ट है नाइडा के अनुसार सफल अनुवादक वही हो सकता है जो लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली की समतुल्यता की सृष्टि कर पाने में समर्थ होता है सेकेंड नायडा के अनुसार ही अनुवाद में मूल पाठ के शिल्प की तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्व दिया जाता था या दिया जाता है वहाँ कैटफोर्ड अर्थ की तुलना में शिल्प संबंधी तत्वों को अधिक महत्व देते हैं हेलिडे है अनुवाद को प्रक्रिया या उसके परिणाम के रूप में न देखकर उसे दो भाषाई पाठों के बीच के संबंध के रूप में देखती है क्योंकि उनके अनुसार ये पाठ एक जैसी स्थितियों में एक जैसा प्रकार यही करते हैं थर्ड क्वेश्चन अनुवाद का आज हमारे लिए महत्व क्यों है इस विषय में कोई तीन आधार प्रस्तुत कीजिए फर्स्ट संसार का हर छोटे बड़ा देश एक दूसरे से जुड़ना चाहता है वे इस अनुवाद के माध्यम से ही हो पाना सुनिश्चित है सेकंड अनुवाद हमारी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक आवश्यकताओं पर पूरी तरह से आधारित है थर्ड अनुवाद दो संस्कृतियों को निकट लाने का कार्य करता है इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है अनुवाद किया जाता है उसे स्त्रोत भाषा तथा उसके पाठ को स्त्रोत पाठ या मूल पाठ कहते हैं लक्ष्य भाषा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा एवं उसके पाठ को लक्ष्य पाठ कहा जाता है उपरोक्तृत् स्थानों की पूर्ति कीजिए अब हम कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे सो so दैट हमें ये पता चल सके कि हमने अभी तक कितना सीख सीख लिया है और आप इनके जो फिलिंदा ब्लैंक्स हैं मैं आपसे पूछूंगी इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे इनमें से आपके कितने फिलिंदा ब्लैंक्स करेक्ट हैं फर्स्ट डैश की कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किया गया है डैश की कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किया गया है चलिए मैं बता देती हूँ पंचतंत्र सेकंड ट्रांसलेशन का अर्थ है डैश ट्रांसलेशन का अर्थ है पार ले जाना थर्ड जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे डैश कहते हैं जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे डैश कहते हैं आंसर इज लक्ष्य भाषा फोर्थ प्रत्येक भाषा की डैश अपने में विशिष्ट होती है प्रत्येक भाषा की डैश अपने में विशिष्ट होती है संरचना फिफ्थ अनुवाद के लिए अनुवादक का डैश होना अनिवार्य है अनुवाद के लिए अनुवादक का द्विभाषिक होना अनिवार्य शर्त है सिक्स नायडा ने अनुवाद में मूल पाठ की तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्व दिया नायडा ने अनुवाद में मूल पाठ के डैश की तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्व दिया शिल्प सेवेंथ हैलिडे के अनुसार अनुवाद एक डैश है जो दो पक्षों के बीच होता है। हैलिडे के अनुसार अनुवाद एक डैश है जो दो पाठों के बीच होता है संबंध एट्थ लक्ष्य भाषा के पाठ को ही डैश भी कहते हैं आई रिपीट लक्ष्य भाषा के पाठ को ही डैश भी कहते हैं अनुदित पाठ नाइन्थ अनुवाद का मुख्य ध्यय है मूल पाठ के डैश को संप्रेषित करना अनुवाद का मुख्य ध्यय है मूल पाठ के डैश को संप्रेषित करना भाव को इस वीडियो में इतना ही आई होप यू लाइक द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून और आपके कुछ क्वेरीज हो कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द थम्स अप बटन एंड इफ यू डिसलाइक द वीडियो देन ऑल्सो थम्स डाउन द बटन इट इज़ ऑल अप टू यू वट वट योर ओपिनियंस आर रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड please help me in uh, in you know improving my skills in this field and your comments are really very valuable to me thank you